तो यह अभी हमारा चावल का आटा ठंडा हो चुका है, गर्म था, अभी हम इसको मसल लेंगे, यानी मल लेंगे आटे के, जैसे गून लेंगे और देसी घी लगा लगा के। हाँ पता है ये कौन सा आटा है? ये चावल का आटा है। हाँ इस ये चावल का आटे से ही क्यों मोदक बनाते हैं? चावल के आटे से ही बहुत अच्छा बनता है, ओरिजिनल मोदक तो यही कहीं बनता है महाराष्ट्र में ना, हर घर घर में यही बनेगा। अभी गणपति पधारने वाले हैं महाराष्ट्र में, हर घर घर तो सब यही बनाते हैं। तो चावल के आटे का ये मोदक है, उसको कितना भी खा सकते हैं ना, तो इससे मतलब क्या नुकसान नहीं करेगा ना? ये मैदे का तो नहीं है? नहीं, ये ओरिजिनल चावल का है, काहे का नुकसान करेगा? एक खाओ चाहे दो खाओ चाहे तीन चाहे दस, कितना भी खा सकते हो आप। तो हमारा आटा ये रेडी हो चुका है, बिल्कुल साफ हो चुका है, तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं गाइस। मम्मी अम्मी ये क्या है? तो मोदक बनाने के लिए इन चीजों की जरूरत होती है, स्टफिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते? स्टफिंग बोलते हैं। हाँ वही, मेरे को नहीं आता ना, वो सीखना है, हमें सीखना जरूरी है इंग्लिश। तो ये है खोबरा नारियल, कच्चे नारियल जो कि हमने कस लिया है, वो कद्दूकस कर लिया है इस तरह, कुछ पहले इस तरह से था। हाँ आपको इस दिखाने के लिए, और फिर उसको फोड़ के अलग करके हम ये अपने YouTube चैनल, अपने फैमिली YouTube चैनल पर दिखाने के लिए रखे हैं। तो ये क्या यकीन हो यार? और ये है गुड़, इसे टुकड़े टुकड़े हमने क्या कर लिया है। अरे ये गांव का है ना, ओरिजिनल गुड़ है ना इसलिए। और ये काजू, और क्या बोलते हैं इसमें, ये जो किशमिश नहीं, क्या किशमिश, इसको धो के रख लिया, बाद में काट के डालूंगी स्टफिंग में। अच्छा स्टफिंग है। हाँ ये है जो इलायची पाउडर, हाँ। और ये क्या है पता है? खसखस। अच्छा जिसको रामदाना भी बोलते हैं। हाँ रामदाना बोलते हैं और खसखस बोलते हैं। तो ये पांचों को आप मिला करके इसको मोदक के अंदर डालेंगे। हाँ। और फिर इससे मोदक जो है हमारा एकदम बढ़िया बनने वाला। हाँ बढ़िया बनेगा, खुशबूदार मजेदार टेस्टी है देखने में। तो मैंने यहाँ पे गैस चालू कर दिया है, गैस पे पैन रख देंगे, गैस को मतलब सिलो कर दूंगी, मीडियम पे कर दूंगी। फिर हमारा ये पैन गर्म हो चुका है, या गर्म हो रहा है, तो फिर हम इसमें सबसे पहले डालेंगे गुड़। हाँ गुड़ डालने के बाद हम गुड़ को पिघलाएंगे, पिघल जाएगा। तो गुड़ को पिघला क्यों रहे? पिघलाएंगे तभी तो इसमें ये सब जो अपना ये नारियल नहीं है, ताजा नारियल, कच्चे नारियल जो कद्दूकस किया है ना, उसको इसमें मिक्स करेंगे। तो अभी मतलब आप ये जो स्टफिंग है उसको तैयार कर रहे हैं? अभी हाँ, हमारा गुड़ पिघल चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे कद्दू किया हुआ नारियल डाल देंगे। हाँ कद्दूकस किया हुआ नारियल डाला आपने। हाँ अब इसमें हम ये डाल देंगे, ये क्या बोलते हैं, नहीं 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 सॉरी, पहले हम ये डालेंगे, ये क्या बोलते हैं, रामदाना, खसखस, खसखस, खसखस डालने के बाद हम ये डाल देंगे काजू, काजू इसमें जो कट किए थे बारीक बारीक, हाँ ये डाल देंगे। डालने के बाद हम ये डाल देंगे अपना ये इलायची पाउडर, हाँ डाल देंगे। क्या करेंगे हम इसके मिलाएंगे इस तरह से। अब हमारा मसाला तैयार हो गया है और हम एक क्वाटी में निकाल देंगे इसको, क्या बोलते हैं, स्टफिंग। अच्छा ये इतना इतना ज्यादा स्टफिंग बन गया आपका इतने समय। तो अभी ये साचा है जो कि बाजार में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, बर्तन वाले की दुकान में 20-25 का मिल जाएगा। और इसमें हम देसी घी लगा लेंगे अंदर साइड में, और ये जो है चावल का आटा है ना वो तक बनाने के लिए ऐसा गोला करेंगे, और उसके अंदर हम अच्छी तरह से भर देंगे, ऐसा भर के फिर उंगली से खंटा करेंगे ताकि जो मसाला है, मसाला है उसमें भरने के लिए, बोल नहीं रहा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताता भी नहीं मेरे को। अरे स्टफिंग बोलते हैं इसको, भूल जाती ना घड़ी घड़ी, इसको मेरे को याद करना है, इंग्लिश सीखना है। अच्छा तो ये पहला मोदक है जो बनने जा रहा है मम्मी अम्मी का, और मम्मी अम्मी ने बड़ी मेहनत से जो है कि इस मोदक को बनाया है। ये मोदक बहुत ही हेल्दी है, और इसके अंदर जो स्टफिंग है और स्टफिंग में क्या क्या पड़ा है वो तो आपने देख ही लिया वीडियो में। और ये पहला मोदक बन के तैयार हो गया है, कितना बेहद खूबसूरत लग रहा है, और इतना खूबसूरत ये लग रहा है इसलिए समझ सकता हूँ कि गणेश भगवान को ये क्यों इतना पसंद है। तो गाइस इस तरह से हमने एक एक करके सब मोदक को बना लिया और तैयार कर लिया है साँचे में डाल करके। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है वो मम्मी अम्मी आपको बताएगी कि मोदक बनाने के बाद क्या करना है। फिर हमने एक पतीले में यानी टोप में गर्म पानी करने के लिए रख दिया उबलने के लिए, फिर एक चालनी में हमने घी लगा लिया है, स्टील का चालनी, आप कौन सा भी चालनी ले सकते हो, जर्मन का जो भी है, प्लास्टिक का मत लेना। फिर हम एक एक मोदक को उसमें रख देंगे, रखने के बाद हम उसको ढक देंगे और 20-25 मिनट तक हम सिलो मीडियम गैस में उसको पकाएंगे।
तो ये हमारा पक चुका है मोदक, आप देख सकते हैं। वाओ कितना मोदक अच्छा दिख रहा है और सुगंध आ रहा, खुशबू आ रहा है। अब हम इसको एक प्लेट में ठंडा होने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से एक एक करके। तो अभी हमारे महाराष्ट्र में यहाँ क्या बोलते हैं, गणपति आती है तो सब लोग बोलते हैं आला रे आला, गणपति आला, गणपति बप्पा मोरिया। तो ऐसा था, ये सारे मोदक आप हमें दे दोगे क्या? अरे पहले गणपति बप्पा को जाना है, बाद में लेने ना। थैंक यू सो मच।